तो आप बोले थे सर सामने सर पब्लिश होगा तो नौ पार्टियों की सहमति से सर सामने सर उनको भी अब बुला करके और उनके सामने जितना काम हुआ है उन सब चीज को भी उनके सामने प्रेजेंट करेगा और जितना सब कुछ ज्ञान मिला है आज तो सबको बता दिया गया सब लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग भी जानिए। तो कल ही हम 3:30 बजे दिन में ही नौ पार्टी के लोगों से बात कर लिया और मीटिंग करेगा हम सीधे एक एक चीज का प्रेजेंटेशन क्या लगभग 37% अति पिछड़ी जातियों की है तो क्या आपने जो अति पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम किया तो क्या और भी नया कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे उनके लिए सब कुछ का जो कराया गया तो ये पूरा का पूरा करके जो भी रिजल्ट आया है आप उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक एक परिवार का भी ले लिया गया तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह और किसी की मान लो कि उसका रिजर्वेशन बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और किसी के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना दस वाला फिगर 16% और 1% से थोड़ा कम 1% अभी बढ़ करके बढ़ा है ना देखिए फिगर उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले अरे इसी तरह सबके मीटिंग में एक एक बात को रख और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे आप उसकी चिंता मत करिए विश्वकर्मा योजना लागू करके पिछड़ी जातियों के लिए अति पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ गई बिहार में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जो अंतर करने के लिए क्या लागू करने जा रहे हैं कोई पता नहीं क्या लागू हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है बिहार के लिए करना होगा और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का इन्हें कह रहे हैं एक भी बात हम कह रहे हैं सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं ये बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए जाति आधारित नहीं करना जनगणना तो होना चाहिए था ना तो नहीं ना हुआ आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया अभी आप कहिएगा वो उचित नहीं है कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बात जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम होगा उसके बारे में करोगे तब तक एक एक बात को रखना जरूरी है उसके बाद जो अरे नहीं दिख रहा है आगे बेहतर करेंगे लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं कल भर जरासा हो जाएगा कल के बारे में के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा राहुल गांधी आओ आपको गारा करना ना चाहिए हम लोग कहाँ से डिमांड कर रहे हैं हम लोग डिमांड कर रहे हैं जरा सामान पूरा ज्यादा मंत्री थे तब भी कितना बोले थे ये होना चाहिए समझिए शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं सर आपके गठबंधन से ये डिमांड हो रहा है कि जितनी आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे सर क्या बिहार में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी राहुल गांधी आप हमसे अभी मत पूछिए सारा चीज जो रिपोर्ट है सबके सामने आएगा और रिपोर्ट आ जाने के बाद आगे सबके हित में जो भी काम करना है उसका निर्णय लिया जाएगा।